फाइनली इंडियन ट्विलर मार्केट पे हीरो ने करिश्मा XMR 210 को लॉन्च कर दिया है एंड ये डायरेक्टली कम्पीट कर रहा है RS 200 एंड यामाहा R5 V4 जैसे पावरफुल बाइक के साथ। RS 200 के साथ इस बाइक की डिटेल्स कंपैरिजन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि यामाहा R5 बेटर है या फिर हीरो करिश्मा XMR 210cc बेटर है, कौन सी बाइक आपके लिए सही है पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या फिर मिस मत करना। सो आई सुदीप फ्रॉम द रिव्यू 05 राइडर्स एंड आप सभी को रिव्यू सलाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइसेस के बारे में एक बार जान लेते हैं। सो यहां पर इंडियन ट्विलर मार्केट पे हीरो करिश्मा XMR 210 का सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल लॉन्च किया गया है जिसकी एक शोरूम प्राइस है 1,72,900। बात किया जाए यामाहा R5 V4 की, इसकी टोटल 5 वेरिएंट इंडियन ट्विलर मार्केट पे आता है जिसकी स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस है 1,82,000 से लेके 1,96,000, यानी कि XMR से अगर कंपेयर किया जाए ना तो बहुत ही ज्यादा एक शोरूम प्राइस आपको देखने को मिल जाता है R5 M या फिर V4 मॉडल के अंदर। तो यहाँ पर हीरो करिश्मा XMR तो विनर बन जाता है क्योंकि इसकी एक शोरूम प्राइस लगभग 10,000 कम में आपको दिया जाता है दोस्तों। अब बात किया जाए इंजन एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। देखो इन दोनों बाइक के अंदर ना सेम इंजन आपको देखने को मिलता है, जैसे कि सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व की इंजन होगा जहां पर लिक्विड कूलिंग के साथ आएगा एंड 6-स्पीड गियरबॉक्स आपको देखने को मिल जाता है जो FI टेक्नोलॉजी के साथ ही दोनों बाइक काम करेगा। बट दोनों बाइक के अंदर ना जो इंजन पावर है एंड सीसी है आपको डिफरेंट देखने को मिल जाता है। जैसे कि R5 M मॉडल या फिर V4 के अंदर आपको 155cc वाला इंजन मिलता है, वही हीरो करिश्मा XMR के अंदर आपको 210cc की इंजन मिल जाता है। अब पावर के बारे में अगर बात किया जाए तो XMR के अंदर आपको ज़्यादा पावर मिल जाता है, 25.5 BHP पावर के साथ 20.4 NM की टॉर्क मिल जाता है। यामाहा R5 M या फिर V4 के अंदर आपको दोस्तों 18.1 BHP पावर के साथ 14.2 NM की टॉर्क मिल जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम है। अब देखो पावर यहाँ पर कम है, यानी कि टॉप स्पीड की अगर बात किया जाए डेफिनेटली आपको हीरो करिश्मा XMR 210cc के अंदर टॉप स्पीड ज़्यादा देखने को मिल जाएगा एज कम्पेयर टू यामाहा R5 M मॉडल। बात किया जाए अदर्स फीचर्स के बारे में, सो दोनों बाइक के अंदर TFT स्क्रीन यूज़ किया गया है जो फुल्ली डिजिटल के साथ आता है। बट हीरो करिश्मा XMR की जो मीटर कंसोल है ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा सब कुछ कलर के साथ दिखता है जिसके कारण मीटर कंसोल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। बात किया जाए R5 V4 के बारे में, यहाँ पर भी आपको TFT स्क्रीन यूज़ किया गया है डिजिटल मीटर कंसोल के साथ, बट इस पर जो इन्फॉर्मेशन आता है वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट थीम के साथ प्रोवाइड किया जाता है। एंड हीरो करिश्मा XMR के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स, नेविगेशन के ऑप्शन, असिस्टेंट का टच सेंसर, बेसिक फीचर्स होता है सब कुछ आपको दिया गया है। R5 V4 के अंदर भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स, असिस्टेंट का टच सेंसर, बट इसके अंदर ना आपको नेविगेशन के ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है जो आपको हीरो करिश्मा XMR के अंदर दिया गया है दोस्तों। एंड USB चार्जिंग पोर्ट का अगर बात किया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको हीरो करिश्मा XMR के अंदर ही देखने को मिलता है, वो आपको R5 V4 के अंदर देखने को नहीं मिलता है। टायर साइज एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में अगर बात किया जाए तो हीरो करिश्मा XMR 210cc के अंदर फ्रंट पर आपको 300mm की ब्रॉड डिस्प्ले ऑफर किया गया है, रियर पर 230mm डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल जाता है। ड्यूल चैनल ABS के साथ ही इस बाइक को लॉन्च किया गया है। बात किया जाए R5 V4 के बारे में, इसकी जो फ्रंट पर डिस्प्ले आता है थोड़ा सा स्मॉल है, 282mm की डिस्प्ले मिल जाता है फ्रंट पर, रियर पर 220mm की डिस्प्ले आपको दिया गया है। ये भी ड्यूल चैनल ABS के साथ ही इंडियन ट्विलर मार्केट पे प्रेजेंट किया जाता है। बट जो टायर साइज है ना दोनों बाइक के अंदर सेम देखने को मिल जाता है, दोनों बाइक की फ्रंट पर 180 सेक्शन की टायर मिल जाता है, वही रियर पर 140/70 सेक्शन की सुपर वाइड टायर यूज किया गया है। अब सस्पेंशन के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गैपिंग आप लोग नोटिस कर सकते हो। हीरो करिश्मा XMR के अंदर फ्रंट पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यूज किया गया है, रियर पर प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन यूज किया गया है। वहीं पर यामाहा R5 V4 के अंदर फ्रंट पर गोल्डन कलर की USD सस्पेंशन ऑफर किया गया है, रियर पर प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन आपको प्रोवाइड किया गया है। सो यहाँ पर सस्पेंशन में काफी ज्यादा गैपिंग आप लोग नोटिस कर सकते हो। USD सस्पेंशन बहुत ही हेल्प करता है कॉर्नरिंग में एंड बाइक की जो लुक्स है उसको भी एनहांस करता है। सो यहाँ पर हीरो करिश्मा XMR के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है,
बट R15 V4 के अंदर आपको दोस्तों USD सस्पेंशन फीचर्स किया गया है। लाइटिंग सेटअप के बारे में अगर बात किया जाए, दोनों बाइक की फ्रंट पर दोनों DRL के साथ प्रोजेक्टेड हिट लैम्प दिया गया है जो काफी पावरफुल है। रियर पर आपको टेल लैम्प मिल जाता है दोनों बाइक के अंदर। इंडिकेटर्स आपको LED के साथ ही देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑल LED सिस्टम, हिट लैम्प, LED टेल लैम्प, LED इंडिकेटर्स आपको प्रोवाइड किया गया है। दोनों बाइक के अंदर आपको स्लीपर क्लच का ऑप्शन मिल जाता है, बट R15 V4 के अंदर ना आपको दोस्तों क्विक शिफ्टर का भी ऑप्शन मिलता है एंड इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। इवन दो मोड भी आपको फीचर्स किया गया है जो हीरो करिश्मा XMR के अंदर बिल्कुल नहीं है, यानी कि इस बाइक के अंदर आपको दो मोड्स तो नहीं मिलता है, इवन क्विक शिफ्टर का भी ऑप्शन नहीं है एंड ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन नहीं है जो आपको R15 V4 या फिर M मॉडल के अंदर प्रोवाइड किया गया है। माइलेज एंड टॉप स्पीड की अगर बात किया जाए तो दोनों बाइक के अंदर सेम माइलेज तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि हीरो करिश्मा XMR के अंदर आपको लगभग 35 से लेकर 40 km तक माइलेज मिलता है, वही आपको R15 V4 के अंदर 55 km तक माइलेज मिल जाता है। ये क्लेम माइलेज है जो ओनर है वो क्लेम करता है। एंड टॉप स्पीड की अगर बात किया जाए, हीरो करिश्मा XMR के अंदर 143 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाता है, वही R15 V4 के अंदर आपको लगभग 140 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों अब बात किया जाए कौन सी बाइक को आपको चूज करना चाहिए, सो यहाँ पर हीरो करिश्मा XMR 210cc वाला बाइक बहुत ही अच्छा है। कम प्राइस में आपको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक ऑफर किया जा रहा है हीरो की ओर से, वही पर R15 V4 के अंदर आपको ज्यादा फीचर्स तो मिलता है बट कुछ फीचर्स को अगर छोड़ दिया जाता है, जैसे कि USD सस्पेंशन, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड क्विक शिफ्टर, ये तीनों फीचर्स अगर आपको नहीं चाहिए, डेफिनेटली आग बंद करके आप हीरो करिश्मा XMR को चूज कर सकते हो। दोस्तों ये एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है। सो आज का वीडियो बस यही तक था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलता है अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।